हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। आज मैं मुंबई की BHT बस से सफ़र करते हुए जा रहा हूँ मुंबई के मशहूर बाबुलनाथ मंदिर, हैंगिंग गार्डन, और वहाँ से चलेंगे गिरगांव चौपाटी। हम लोग बाबुलनाथ के स्टॉप पे उतरे हैं और वहाँ पे बगल में ये एक ऊंची इमारत, ये है मंदिर का मेन गेट। अंदर चलते हैं। यह सीढ़ियों से ऊपर जाने का रास्ता। हम लोग लिफ्ट से ऊपर आए हैं और मंदिर की ओर चल रहे हैं। यह है मेन मंदिर जो कि काफ़ी खूबसूरत है। वहीं मंदिर के दूसरी ओर छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। पिल्लरों पे की गई नक्काशियां काफी खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है और ये मुंबई के बहुत ही प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। अब वापस चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे उसी लिफ्ट से। वहां से कैब करके हम लोग आ पहुंचे हैं मुंबई के मलबार हिल स्थित हैंगिंग गार्डन में। ये गार्डन काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे फूलों को और पौधों को काफ़ी संजो कर और बड़े अच्छी तरह से रखा गया है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट विजिटिंग प्लेसेस ऑफ द मुंबई। ये है पिलर ऑफ फ्रेंडशिप। वीडियो को लाइक जरूर करें। अब चलते हैं यहाँ से अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है कमला नेहरू पार्क और यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है वो ये द शू ऑफ अ ओल्ड लेडी। यहाँ से ऊपर से कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई देता है, मरीन ड्राइव का सुंदर नज़ारा।
इसे बुढ़िया के जूता के नाम से भी जाना जाता है और ये पार्क भी काफ़ी खूबसूरत है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। समुद्र से पूरा मरीन ड्राइव का इलाका ये पूरे मरीन ड्राइव का सीन है जो यहाँ से दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, अब हम आ चुके हैं मुंबई के मशहूर गिरगांव चौपाटी पे। और इस चौपाटी की खास बात यह है कि मुंबई में जो गणेश उत्सव होते हैं और उनकी जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती हैं वो विसर्जन के लिए इसी बीच पे आती हैं। और ये बीच काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे बहुत सारे सैलानी आए हुए हैं, यहाँ पे बोटिंग का भी मज़ा लिया जा सकता है। सुंदर समुद्र का नज़ारा। यहाँ पे लाइट की भी व्यवस्था है, हारफुल विसर्जन के लिए कलश बने हैं। यहीं पर एक तरफ खाने पीने की काफ़ी सुविधा है, काफ़ी सारे स्टॉल हैं, दुकानें हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पर सैर करने के बाद कुछ खा पी सकते हैं। वापस चलते हैं दोस्तों। और हम लोग चलेंगे ट्रेन से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। थैंक यू।